नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी में आज के दिन में 3% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा सा स्टॉक है जो कि 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ा स्टॉक है, निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है। इस स्टॉक में आज इतना बड़ा गिरावट की वजह क्या है और ये स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड, ठीक है। और ये स्टॉक को हमें कौन से रेंज पे बाई करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में जिस हिसाब से करेक्शन चल रहा है, वो स्टॉक में किसी भी स्टॉक को सेल करने का इमीडिएटली जरूरत नहीं है, उससे पहले आप एक बार ये वीडियो को जरूर देख लीजिए, उस हिसाब से कौन सा सपोर्ट रेंज है वहाँ पे बाय करना है और आपका टारगेट जब तक नहीं आया तब तक वो स्टॉक को होल्ड करना है, ठीक है। ऐसा सिंपल रीजन है, स्टॉक मार्केट में करेक्शन ऐसा होते रहेगा हमेशा के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं कि और कोई स्टॉक को आप स्टॉप लॉस लगा के सेल करके निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई स्टॉक में कुछ भी डाउट है आप मेरे से जरूर जुड़ सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट करके जरूर जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी स्टॉक में करेक्शन हो रहा है, आपका मन में कोई भी सवाल है, वो स्टॉक में से आपको सेल करके निकल जाना चाहिए या तो फिर होल्ड करना चाहिए, कोई भी क्वारी है तो कौन से टारगेट तक आपको होल्ड करना चाहिए, आप मेरे साथ में पर्सनली इस नंबर पर आप जरूर जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आज की बात करेंगे, आज के दिन में अगर हम देखेंगे निफ्टी में तो करेक्शन आया है 1.44% का, जो कि 17,352 के पास में निफ्टी अभी ट्रेडिंग हो रहा है अभी का टाइम पे। अगर आज के दिन में देखेंगे यहाँ पे नेस्ले इंडिया में, तो यहाँ पे 2.7% का करेक्शन चल रहा है। अभी अगर डिलीवरी की बात करेंगे स्टॉक में, अभी 80% का डिलीवरी उठाया गया है अभी तक का, ठीक है ना। 57,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, 45,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 80% का डिलीवरी है, एक जबरदस्त डिलीवरी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रिजल्ट की बात करेंगे, एक बार ओवरऑली बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी अभी भी 75 पे चल रहा है, ये क्वालिटी स्टॉक है तो इसके लिए हमेशा इसका पी हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेडिंग होता है। अगर आरओसी की बात करेंगे यहाँ पे 139% का आरओसी है, प्रमोटर का होल्डिंग एक बिंदास प्रमोटर का होल्डिंग है जो कि 62.8% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। अगर डेट की बात करेंगे, बहुत लो डेट कंपनी है जो कि 0.07% का डेट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 20,600 ऑल टाइम हाई है, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 17,650 पे, ठीक है। स्टॉक में एक अच्छा सा करेक्शन भी हो चुका है। अगर इसी हिसाब से अगर आप लास्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट देखेंगे तो अभी यहाँ पे रिजल्ट तो पोस्ट नहीं हुआ, रिजल्ट का डेट पहले देख लेते हैं कौन सा डेट को इसका रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे रिजल्ट का डेट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो अभी अगर इसी हिसाब से देखेंगे कंपनी एक क्वालिटी स्टॉक है, तो क्वालिटी के हिसाब से मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक में इसका की रेंज भी बात कर लेते हैं, कौन सा रेंज पे आपको बाई करना है। स्टॉक एक क्वालिटी स्टॉक है, इसका प्रॉफिट तो हमेशा हर एक क्वार्टर में ग्रो होते जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर लास्ट 4 क्वार्टर का भी हम रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है 2,242 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ था। अगर लास्ट 4 क्वार्टर का अगर सेल्स की बात करेंगे, यहाँ पे 14,400 करोड़ का सेल्स है, जो कि सबसे बढ़िया सा कंपनी है और लार्ज कैप स्टॉक है, आपका कैपिटल हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा इस स्टॉक में। अगर हम रिजर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे रिजर्व हर एक यहाँ पे बढ़िया सा रिजर्व है, जो कि 2,100 करोड़ का रिजर्व है। अगर हम बोरोइंग की बात करेंगे, यहाँ पे 151 करोड़ का बोरोइंग है, बोरोइंग बहुत कम है। तो अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अगर ये चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एफआई हमेशा हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं स्टॉक में, ठीक है ना। अभी 12.35% का एफआई के पास में होल्डिंग है, प्रमोटर के पास में भी बढ़िया सा होल्डिंग है 62.76% का, और डीआई के पास में भी 7.8% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास में 16-17% का होल्डिंग है। फ्रेंड्स ये क्वालिटी स्टॉक है, ठीक है, और ये स्टॉक कहाँ तक गिरना चाहिए और कहाँ पे आपको बाय करना है उसके बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। अगर ये स्टॉक यहाँ से जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, स्टॉक यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है और जबरदस्त गिरावट हो रहा है, ठीक है ना। 200 मूविंग एवरेज गिरने के मतलब यहाँ पे तोड़ने के बाद में स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आज के दिन में तो बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा लाल कैंडल यहाँ पे बन चुका है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर आपको बाई करना है स्टॉक में, ये लेवल पे बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले से बाई करके रखे हुए क्वालिटी स्टॉक है, आपको सेल करने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक को अगर सेल करेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट में आप कोई भी स्टॉक को होल्ड ही नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्वालिटी स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बाई करना है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए काफी दिन से स्टॉक ने बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो इस लेवल पे आप बाई करके चल सकते हैं, जो कि ये लेवल निकल करके आ रहा है 17,445, ये लेवल पे आप बाई करके चल सकते हैं। अगर इसके नीचे अगर स्टॉक यहाँ पे गिरता है तो फिर से
ये लेवल पे सपोर्ट ले सकता है स्टॉक, ठीक है। ये जो पहले भी एक बार सपोर्ट लिया है तो ये लेवल पे फिर से स्टॉक यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप अगर वेट करेंगे ये लेवल को, हो सकता है ये लेवल आपको मिले या ना मिले, लेकिन ये लेवल से आपको एक्युमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि और एक चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए स्टॉक वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे गिर नहीं रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा वॉल्यूम के साथ में स्टॉक नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है स्टॉक यहाँ से फिर रिवर्सल ले ले। अगर यहाँ से नीचे का अगर गिरने का अगर देखेंगे कितना परसेंटेज का रिस्क है, वो भी जरूर हमें देखना चाहिए फ्रेंड्स। अगर ये नीचे का लेवल तक अगर स्टॉक आता है तो 6% का गिरावट और हो सकता है ये लेवल पे आप बाय करने के बाद में, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टॉक बाय करने हैं तो अपना खुद का एनालिसिस के बेस पे बाय कीजिए, नहीं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय ले लीजिए। मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे रुक सकता है, जो कि 17,475 के लेवल पे। वहां से अगर स्टॉक अगर गिरता है तो फिर उसके बाद में ये लेवल पे जरूर आ सकता है, 16,300 का लेवल पे जरूर आ सकता है। लेकिन कोई भी स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी स्टॉक है, ठीक है। आने के बाद में फिर से रिवर्सल जाएगा, अपना टारगेट अचीव करा ही लेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी देखेंगे कितना परसेंटेज का गेन आपको मिल सकता है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप पोजीशन बनाते हैं, अगर ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक में आप पोजीशन बना के रखेंगे तो आपको 17-18% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। और इसका जो टारगेट आपको 6 मंथ्स में इसका टारगेट अचीव हो सकता है, क्वालिटी स्टॉक है, इसमें कोई भी हमें डाउट भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ में जरूर जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।